6th of Jan. Okay, and today we'll discuss decision making and situation handling. Okay, बहुत important topic है. और as I had told you that there will be 50 questions from this entire service aptitude, and out of 50 questions you will find that 25 to 30 questions will be asked from this portion, decision making. Okay, so class को शुरू करते हैं. But as you know that first of all motivation, and guys today's motivation is quite impressive. Very important that I never lose. What is the motivation? That, so what is the motivation that I never lose? I never lose. Either I win or I learn. Okay. This is kind of attitude. This is actually attitude. Okay. Guys, agar aapne ye attitude apne andar develop kar liya, you will never regret in your life. I wish ki aap kabhi regret nahi kare life mein, okay? But as I had told you that in life there are so many turns, hai na? Aur jo life hai wo ek koi national highway nahi hai, jahan pe koi turn nahi aayega, okay? Hamara jo life hai wahan pe kafi utar chadhav hai, okay? Gham hai, khushiyan hai aur problems hai, happiness hai, sadness hai, okay? Attitude kya hona chahiye hamara always? पॉजिटिव. ओके, सो मोटिवेशन क्या है? दैट आई नेवर लूज. ये जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन है. दैट आई नेवर लूज, ईदर आई विन और आई लर्न. ओके, अगर हम कोई सा भी एग्जाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई सा भी एग्जाम देते हैं, हम नेट का एग्जाम देते हैं, ओके, या हम JEE का एग्जाम देते हैं, ओके, या हम नीट का एग्जाम देते हैं, है ना, या हम कोई बैंकिंग का एग्जाम देते हैं. अब ऐसा तो है नहीं कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है वो सारे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके, ये सारे ही टॉप पर आ जाएंगे. ऑलराइट, बट मोटिवेशन क्या बोलती है? दैट या तो मैं जीतूंगा, इधर आई विल विन, है ना, और आई विल लर्न. यहां पे लूज वर्ड नहीं है, आप देख रहे होंगे, यहां पे फेलियर वर्ड नहीं है. फेल कोई नहीं होता है. अगर हमें 70% चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोटिवेशन, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोटिवेशन, कि अगर हमें 70% चाहिए किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और हमारे 65% आते हैं, वी नीड 70% और हमारे आते हैं 65%. ओके, तो गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेल हो गए. हाँ, उस पर्टिकुलर एग्जाम में आप सिलेक्ट नहीं हुए, बट 65% यू हैव लर्न, इजंट इट? इट इज. आपने 65% तो कुछ सीखा है ना, आप 5% से ही तो कम रह गए, है ना, आपके 5% ही कम रहे, लेकिन आपने 65% तो सीखा है. नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो आप 70 से भी ऊपर चले जाओ, क्योंकि 65 तो आपके पास पहले ही है. That is attitude, है ना. लाइफ में हमेशा keep learning, फेलियर नहीं होता है लाइफ, है ना. हम ट्राई करते हैं, हम सीखते हैं, हम उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं, या हम 2-3 नंबर से रह जाते हैं, ओके, हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं और हम जीत जाते हैं. सो keep practicing, है ना, मेहनत करते रहो, सीखते रहो, गलतियों से सीखते रहो, गलतियों को रिपीट मत करो, और लाइफ में आगे बढ़ो. दिस इज द मोटिवेशन. ओके, बहुत ही अच्छी मोटिवेशन है, और ये एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ एटीट्यूड जो यू नो सबको लाइफ में अपनाना चाहिए, है ना. अब हम बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग, है ना, आज हम पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग. I hope I am audible to all. Priyanshu Soni ने मैसेज भेजा था कि सर PDF कंप्लीट डिस्कस किया करो. ओके, एक्चुअली प्रियांशु ऐसा है कि अगर मैं सारे ही MCQs लगाना शुरू कर दूंगा तो वो मेरी प्रैक्टिस होगी, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना. प्रैक्टिस तो आपको करनी है. ऑलराइट, मैं क्या करता हूं यहां पे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करता हूं. दिस इज डाउट क्लियरिंग सेशन है. ओके,
आप एमसीक्यू लगाओ, आप मॉक टेस्ट लगाओ, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है या तो आप वो मेरे से पूछ सकते हैं। अब आज हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। टुडे विल डिस्कस द 5 क्वेश्चंस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड सिचुएशन हैंडलिंग। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्रक्स क्या है, हाउ वी अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, व्हेन वी अटेम्प्ट दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी शुड थिंक, हमें क्या सोचना चाहिए, व्हाट हाउ वी शुड बिहेव। ओके, अपना पर्सनल इमोशंस को साइड में रख देना है आपने, है ना। जैसे कि जैसे इंग्लिश की बात आपको इंग्लिश में बताऊंगा, आरसी जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना, 2 या 3 पैराग्राफ आते हैं इंग्लिश में, तो उसमें से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो वहां पे एक पैराग्राफ होता है ना, और हमें उस पैराग्राफ को पढ़ के क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, एज सिंपल एज दैट। ओके, बट होता क्या है, होता क्या है कि हम उस पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद अपना इंटेलेक्चुअल हम उसमें यूज करते हैं। ओके, और हम अपने तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि जो उस पैराग्राफ ने लिखा है आपको सिर्फ उसी को सत्य मानना है, दैट इज द ट्रूथ, है ना। लेकिन हम अपने हिसाब से सोचना शुरू कर देते हैं, वी थिंक अकॉर्डिंग टू आर ओन वे एंड देन वी ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन, में हम क्वेश्चन को गलत करते हैं, है ना। तो यहाँ पे वैसे सर्विस एप्टीट्यूड है, इन द सर्विस एप्टीट्यूड इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन डिसीजन मेकिंग एंड सिचुएशन हैंडलिंग यू विल गेट 20-25-30 क्वेश्चन। ओके, यू विल गेट डिफरेंट सिचुएशन, है ना, और आपको वहां पे ये बताना है दैट हाउ यू विल यू नो एक्ट इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन है वहां पे आप कैसे एक्ट और रिएक्ट करने वाले हो। ऑलराइट, तो मैं आपको आज 5 और 6 क्वेश्चन है, है ना, 6 क्वेश्चन है एक्चुअली, जो 5 क्वेश्चन है एक्चुअली जो मैं आपको यहाँ पे करके बताऊंगा। अब गाइस यहाँ पे जो इसका वीडियो है आपने शायद देखा होगा, जो ऐप पे अवेलेबल है ना, जो वीडियो लेक्चर है इसका रिकॉर्डेड वाला, वहां मैंने आपको ये बताया है कि जो सर्विस एप्टीट्यूड है और जो डिसीजन मेकिंग है और जो आपका सिचुएशन हैंडलिंग है, यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको 2 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन होगा जैसे होटल से रिलेटेड। ओके, तो वहां आपके सामने एक सिचुएशन होगी, है ना, आपके सामने एक सिचुएशन होगी और आपको उस सिचुएशन को रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने क्वेश्चन का आंसर देना है, है ना। एक तो होगी होटल की सिचुएशन और सेकेंड आपकी एक जनरल सी सिचुएशन होगी कि आप रोड पे जा रहे हैं, है ना, और सामने कुछ हो गया। एज अ ह्यूमन बीइंग हाउ विल यू रिएक्ट। ओके, तो यहाँ पे गाइस बहुत ही नॉर्मल आपने जो बिल्कुल जो रूल्स है हमारे, है ना, जो एक अच्छे इंसान के जो अच्छाइयां होती हैं, जो उसको करना चाहिए वहां पे, बिल्कुल वैसे ही सोचना है। यहाँ पे हमें वेन वी ट्राई टू एंसर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो हमें अपना ईगो, अपना एरोगेंस, अपना यू नो घमंड, ओके, अपना लेजीनेस, अपना थॉट प्रोसेस हमें साइड में कर देना है, जो हम सोचते हैं वो साइड में कर देना है। जो एक जेंटलमैन सोचता है ना, जो एक सोसाइटी में एक सभ्य इंसान होता है, एक जेंटलमैन होता है, ऐसा वो सोचता है, आपको वैसे बिहेव करना होता है, ऐसे क्वेश्चन। ऑलराइट, ओके, तो हम अब देखो होटल की हम बात करें गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ थोड़ा होटल के बारे में। यस, है ना, जैसे होटल का अगर हम सिचुएशन लेते हैं तो होटल में होटल लाइफ में देयर आर ओनली 2 रूल्स, होटल में ओनली 2 रूल है। ओके, होटल में ओनली 2 रूल है। फर्स्ट रूल क्या है, मैंने आपको वीडियो में भी बताया होगा। ओके, फर्स्ट रूल इज दैट गेस्ट इज ऑलवेज राइट। मैं होटल की बात कर रहा हूं, अभी मैं होटल की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट रूल इज गेस्ट इज ऑलवेज राइट, है ना। सेकंड रूल क्या है, दैट इफ गेस्ट इज रॉन्ग देन फॉलो फर्स्ट रूल,
थोड़ा कंफ्यूजन सा आपको लगा होगा कि ये क्या बात हुई, है ना। इसका मतलब है, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, दैट देयर इज ओनली वन रूल, है ना, कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट, गेस्ट इज ऑलवेज राइट। ये होटल हॉस्पिटैलिटी का रूल है। ओके, अब आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि ये तो एक तरह सा तानाशाही हो गई, है ना, कि गेस्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता है। ऑफकोर्स गेस्ट गलत हो सकता है ना, और बहुत टाइम गेस्ट गलत भी होता है, लेकिन हमें उसको उसकी गलती का एहसास नहीं दिलाना है। ओके, जब तक कि वो बहुत बड़ी गलती ना हो। ऑलराइट, अब मैं बताता हूं कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि गेस्ट इज ऑलवेज राइट, है ना, और ये क्या बात हुई, हम भी तो इंसान हैं। देखो, अगर होटल में गेस्ट आया है, ओके, नाउ इमेजिन किसी होटल के रूम का रेंट है 30,000 या 40,000 या 50,000, है ना, 50,000 पर नाइट कोई गेस्ट पे कर रहा है, होटल में स्टे कर रहा है, ओके, होटल की सर्विसेज को यूज कर रहा है, ओके, देन ही इज बॉस, राइट, ही इज बॉस, ही इज पेइंग अमाउंट टू होटल, और उसी के अमाउंट से हमारा होटल चल रहा है, इज इट। होटल खुला क्यों? होटल खुला है रेवेन्यू कमाने के लिए, अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन विद द सेटिस्फेक्शन ऑफ द गेस्ट। अगर गेस्ट की सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो आप गेस्ट फर्स्ट टाइम तो रेवेन्यू अर्न कर लोगे गेस्ट को झूठ बोल के, लेकिन सेकंड टाइम जो गेस्ट है वो वापस आपके होटल में कभी नहीं आए, है ना, और वो इतनी बदनामी कर देगा अपने सोशल मीडिया पे और यहाँ वहां की बाकी गेस्ट भी आपके होटल में नहीं आएंगे। ओके, सो गाइस, होटल में हमेशा होटल की कोशिश रहती है कि वो गेस्ट को सेटिस्फाई करे जहां तक पॉसिबल हो सकता है, इलीगल एक्टिविटी से नहीं। इलीगल तो हर जगह इलीगल है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो सबसे ऊपर है, वो सबको मानना है। ओके, लेकिन जहां तक हो सके, जहां तक हम लॉ एंड ऑर्डर को नहीं तोड़े, हमें गेस्ट को सेटिस्फाई करना है। क्यों करना है? बिकॉज गेस्ट इज पेइंग 50,000 पर नाइट। ओके, अब गेस्ट पैसा दे रहा है तभी हमारा होटल रेवेन्यू अर्न कर रहा है। यहाँ पे गेस्ट आपकी आपके ये सुनने नहीं आया कि वो गलत है, है ना, हाँ वो गलत हो सकता है, लेकिन हमें उसको बहुत ही टैक्टफुली, डिप्लोमेटिकली उसको हमें हैंडल करना है। ओके, ये होटल के एक्चुअली प्रोटोकॉल है। इसलिए क्या बोलते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है, दैट गेस्ट इज ऑलवेज राइट। सेकंड रूल क्या है, इफ गेस्ट इज रॉन्ग देन फॉलो द फर्स्ट रूल। ओके, नाउ थिंक दैट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ होटल, गाइस, यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट पर्टिकुलर होटल। नाउ यू ऑल नो हु इज अ ब्रांड एम्बेसडर। ओके, ब्रांड एम्बेसडर वो होता है जो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की मार्केटिंग करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इफ यू आर वर्किंग इन अ ताज होटल, you're working in Oberoi properties, or you're working in ITC Moria, okay, then at that point of time, you are representing that brand. You are the brand ambassador of that hotel, okay. Now, guest is interacting with you. Guest aapke saath interact kar raha hai, okay. And guest has done something wrong, okay. But hame, and guest is shouting at you, okay. For example, बहुत गर्मी थी बाहर, और गेस्ट ने चेक इन किया एंड एसी ऑफ गेस्ट रूम इज नॉट वर्किंग, उसके रूम का एसी काम नहीं कर रहा है, एंड नाउ ही जस्ट कॉल फ्रंट ऑफिस एंड ही इज शाउटिंग, ओके, एंड नाउ एन एम्प्लॉय ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वेंट टू दैट रूम, ओके, ही लिसन टू द गेस्ट, ओके, ही हैज टू लिसन टू द गेस्ट, यू नो। अब वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर, मैंने कल ही ठीक किया था, ये तो खराब नहीं हो सकता है, आपने कुछ कर दिया होगा, हमारा तो बहुत अच्छी कंपनी का एसी है। अगर आप ऐसा बोलोगे, दिस इज नोन एज आर्गुमेंट। गेस्ट ने जो 50,000 पर नाइट पे किया है, वो आपका आर्गुमेंट सुनने के लिए नहीं किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे चलो हमारी ही गलती है, बट समटाइम गेस्ट को ना फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, तो वो किसी ना किसी पे चिल्लाना चाहता है, ओके, तो वो होटल के एम्प्लॉइज पे चिल्लाता है। एट दैट टाइम इफ वी नो अपोलॉजी, तो होटल का जो प्रोटोकॉल है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लिसन टू गेस्ट व्हेन एवर गेस्ट इज शाउटिंग। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, यू मे सी दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेयर देयर विल बी सिचुएशंस लाइक यू नो गेस्ट इज शाउटिंग ऑन यू, व्हाट यू विल डू, यू विल शाउट बैक, यू विल यू नो आर्गू विद द गेस्ट,
यू विल अपोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल लिसन टू द गेस्ट, है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो प्रोटोकॉल क्या बोलता है, दैट वी हैव टू लिसन। वो बोलना चाहता है, वो अपनी भड़ास निकालना चाहता है, उसको बोलने दो पहले, है ना, उसको बोलने दो, उसको चिल्लाने दो, अनटिल अनलेस दैट ही और शी इज नॉट अब्यूजिंग, वो गालियां नहीं दे रहा, है ना, और वो नॉर्मल कंडीशन में, ऑलराइट, है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम वहां पे सिर्फ उनकी बातें ही सुनते रहेंगे। इफ गेस्ट इज ड्रंक एंड ही इज अब्यूजिंग, है ना, ही इज शाउटिंग ऑन एवरीवन, इन दैट सिचुएशन वी कॉल द सिक्योरिटी और वी कॉल द पुलिस, देयर इज प्रोटोकॉल, ओके। बट इफ गेस्ट इज नॉट ड्रंक एंड ही इज नॉट अब्यूजिंग, वो गालियां नहीं दे रहा है, सिंपली शाउटिंग, इन दैट सिचुएशन यू विल हैव टू लिसन टू हिम और हर, ओके, देन ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम इफ दैट प्रॉब्लम इज इन योर ज्यूरिडिक्शन, अगर वो आपकी विसिनिटी में है, आपके अथॉरिटी में है, इफ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम इमीडिएटली देन सॉल्व दैट, एंड इफ यू कांट सॉल्व दैट प्रॉब्लम इमीडिएटली देन रिपोर्ट टू दैट डिपार्टमेंट, रिपोर्ट टू दैट एम्प्लॉय who will solve this kind of, these kind of problems immediately. So this is the protocol actually. Okay. So ये तो होगी होटल की बात। अगर होटल में ऐसी सिचुएशन, होटल के क्वेश्चन आपको आते हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग का है, सर्विस का है, किचन का है, होटल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पे गेस्ट और एम्प्लॉय की इंटरेक्शन बताई गई है, जो आपको उस टाइम पे सोचना है, तो मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, अपोलॉजी, लिसन टू द गेस्ट, ये आपने बिल्कुल इन बातों को सोचते हुए ही आपने उन क्वेश्चन को आंसर करने की गाइस कोशिश करनी है, ओके। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और ये 2019 में गाइस 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। तो पहले हम कंफर्म कर लेते हैं कि क्या मैं सिर्फ लैपटॉप से बात कर रहा हूँ कि बच्चे सुन भी रहे हैं, मॉक टेस्ट वाला प्रियांशु डिस्कस करूंगा, ओके। अभी हम इस चैप्टर को खत्म कर लेते हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, एम आई ऑडिबल, मेरी बात आपको बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है, देन प्लीज प्लीज राइट समथिंग, यस, एनी काइंड ऑफ फीडबैक, ओके ओके ओके, थैंक यू अनुलाल, थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू रंजीत, ओके। सो अब हम डिस्कस करेंगे, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने ये बताया कि इफ यू सी द क्वेश्चंस फ्रॉम इन विच देर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन गेस्ट एंड होटल, होटल एम्प्लॉयज, देन यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स आई जस्ट टोल्ड यू, ऑलराइट, जो मैंने आपको पॉइंट बताया वैसे आपको सोचना है ना। और उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन आते हैं सिंपल सिचुएशन, सिंपल जो हमारी रूटीन लाइफ में हैपनिंग होती है, वैसे क्वेश्चन आते हैं, है ना, एंड देन यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन लाइक अ जेंटलमैन। आपको ऐसा सोचना है कि यू आर अ सोशल बीइंग, है ना, वी ऑल आर सोशल बीइंग, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, वी हैव टू फॉलो सम काइंड ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, ओके। तो वैसे हमें सोचना होता है। सो हम देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे आया है, 2019 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या है, दैट इफ यू हैपन टू सी समवन गेटिंग हिट बाय अ कार, है ना, हिट बाय अ कार एंड गेटिंग बैडली इंजर्ड, यू वुड। अब देखो कितनी सिंपल सी सिचुएशन है कि आप कहीं जा रहे हैं, है ना, एंड आप कहीं जा रहे हैं और आपने देखा कि किसी को चोट लगी, ओके, कोई वहां पे गाड़ी से, गाड़ी ने किसी को हिट किया, ओके, और वो घायल हो गया, ही एंड गेटिंग बैडली इंजर्ड, यू, आप वहां से जा रहे थे, आपके सामने किसी को गाड़ी ने ठोक दिया, अब वो इंजर्ड है, तो आप क्या करेंगे। देखो सिचुएशन क्या है, फर्स्ट सिचुएशन है दैट रन अवे फ्रॉम द प्लेस इन फियर ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अ पुलिस केस, है ना। दूसरी ऑप्शन है इमीडिएटली ट्राई एंड हेल्प द विक्टिम, ओके। थर्ड ऑप्शन है ट्राई टू चेज द कार टू गेट होल्ड ऑफ द ड्राइवर, ओके, एंड फोर्थ ऑप्शन है रन एंड कॉल द पुलिस, रन एंड कॉल द पुलिस। अब ये चार ऑप्शन है, नाउ
You have to think like a gentleman. You have to think like a what could be best. And यहाँ पे best क्या हो सकता है? अब देखो run away from the place. मतलब वहां से भाग जाओ. Okay? क्यों भाग जाओ? क्योंकि पुलिस केस हो जाएगा. जो कि क्योंकि हम सबकी ना एक mentality रहती है. लेकिन आपको शायद पता नहीं है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ओके कि अब कहीं भी अगर आप किसी को उठा के लेके जाते हो तो सुप्री जो हॉस्पिटल है उनको उस विक्टिम को जिसको चोट लगी है उसको एडमिट करना पड़ेगा ओके और जो लेके आया है उस पर केस नहीं होगा उसको पुलिस कार्रवाई में ज्यादा दिक्कत नहीं है ना. अब पहली ऑप्शन क्या है कि रन अवे फ्रॉम द प्लेस इन फियर ऑफ गेटिंग इन्वॉल्व इन पुलिस केस है ना. मतलब पुलिस केस होगा इसलिए वहां से भाग जाओ जिसको चोट लगी उसको वहीं पे पड़े रहने दो. नहीं ये गलत ऐसा हमें कभी नहीं करना है. एक जो सोशल इंसान है जो एक सभ्य इंसान है वो ऐसे कभी नहीं करना. सेकेंड क्या है इमीडिएटली ट्राई एंड हेल्प द विक्टिम दिस इज द ऑप्शन है ना. क्योंकि हमें यहाँ पे सब कुछ दोबारा हो सकता है लेकिन अगर उस इंसान की जान चली गई है ना या उसका पैर टूट गया तो वो चीज दोबारा नहीं होगी. तो यहाँ पे सबसे इस पूरे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है किसी की लाइफ है ना जिसको कार में हिट किया है. तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो सेकंड वाली है इमीडिएटली ट्राई एंड हेल्प ये हमें उसकी हेल्प करनी है. थर्ड ऑप्शन क्या थी ट्राई टू चेज द कार टू गेट होल्ड ऑफ ड्राइवर. ये इतना जरूरी नहीं है मतलब आप उस कार के पीछे भाग गए जिसने उसको हिट किया था ताकि आप ड्राइवर को पकड़ के ला सको और उतने देर में जिसको हिट किया था उसकी जान चली गई तो ये बेवकूफी है ना. और फोर्थ क्या था रन एंड कॉल द पुलिस. ये मतलब पुलिस को तो बताना ही चाहिए लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि पहले उसको बचाया जाए जिसको हिट हुआ ओके. तो गाइस यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगी सेकंड वाली. ऐसे आपने वहां पे सोचना है ओके. ऐसे आप इन क्वेश्चन को वहां पे गाइस कर सकते. मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बस आपको इसमें अपने इमोशंस पे काबू रखना है. आपको ये नहीं सोचना है कि आप यू नो सुपरमैन हैं और आप उसको आप टाइगर श्रॉफ हैं आप गुलाटियां मारते हुए जाओगे और उसको पकड़ लोगे है ना. ये फिल्मी दुनिया से बाहर निकल के जो एक्चुअल वहां पे पोजिशन है जो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जो वहां पे हो सकता है वो आपको करना है. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं ओके. सेकेंड क्वेश्चन क्या है that you are preparing for final examination scheduled on the next day but your neighbor plays loud music and you are getting disturbed what will you do hai na. For example April वैसे जो NCHM का exam होता है वो last Sunday को होता है last Sunday of April है. तो for example इस बार भी आपका exam जो है वो April को last Sunday को होना है और शनिवार को जो आपका पड़ोसी है वो बहुत जोर से म्यूजिक सिस्टम लगा के डांस कर रहा है या वहां पे कोई बर्थडे पार्टी हो रही है या कोई भी पार्टी हो रही है ना. एंड अब इतना जोर से म्यूजिक आ रहा है तो आप डिस्टर्ब हो रहे हैं. ऑब्वियस है कि आप जब म्यूजिक आएगा तो आप डिस्टर्ब होंगे ओके. आप डिस्टर्ब होंगे तो आप क्या करेंगे है ना. अगेन सोसाइटी है एक सोसाइटी है वहां पे बहुत सारे परिवार रहते हैं है ना. हम फिल्म में तो हो नहीं सकते. हम अब वो कौन सी मूवी थी वो रोबोट को हम है नहीं कि चिट्ठी को लेके जाएंगे और उनके म्यूजिक सिस्टम को तोड़ देंगे है ना गाइस. ये सब फिल्मी बातें हैं. हमें यहाँ पे क्या करना है टू थिंक पॉजिटिव ओके. सबसे बेस्ट क्या है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दी है दैट You also start playing music louder than your neighbor. अभी ये सबसे गलत है. पहली बात तो आपका एग्जाम है ना. ये आपको नहीं करना चाहिए. एग्जाम ना भी होता आपको तब भी नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर आपके नेबर में और आप में क्या फर्क रह गया. Then you both are sailing on the same boat. है ना. फिर आप दोनों एक ही गाड़ी में सवार हैं. फिर आप दोनों गलत हो गए. ऑलराइट. सेकेंड ऑप्शन क्या है रिक्वेस्ट your neighbor and inform him about your examination. Okay, ये सही लग रहा है. अच्छा एक और बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ एग्जाम में कभी भी एक ऑप्शन पढ़ के दो ऑप्शन पढ़ के उसका आंसर मत दो है ना.
ये बहुत से बच्चे गलती करते हैं, आपका तो अभी आपने तो शुरू किया है, अभी आप बहुत एग्जाम अभी लाइफ में दोगे, जो कोई सा भी एग्जाम आप लाइफ में दो इसके बाद, है ना, हमेशा अगर एमसीक्यू है तो उसकी चारों ऑप्शंस को पढ़ो, दिस इज अ रूल एक्चुअली, है ना, चारों ऑप्शंस को पढ़ो। हो सकता है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन सही लग रही हो, लेकिन जो सबसे सही हो वो फोर्थ ऑप्शन हो, बट आप फोर्थ तक पहुंचे नहीं, आपने फर्स्ट ऑप्शन पढ़ी, आपको लगा ये सही है, आपने इसको टिक करा, सॉरी, और नेक्स्ट पर्सन को मूव कर गए जो सबसे गलत है ना, तो अब हमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही लग रही है, हम सभी ऑप्शंस को पढ़ेंगे, ये रूल है ना। थर्ड ऑप्शन क्या है, इन्फॉर्म द लोकल पुलिस एंड कंप्लेन। ओके, ये भी आप कर सकते हैं बट ये सेकंड स्टेज है। ओके, माना कि आप तो, आपने एक बार रिक्वेस्ट की कि वॉल्यूम कम कर दो मेरा एग्जाम है, उसने नहीं कम किया जबकि उसने और लाउड कर दिया, इन दैट केस यू कैन ऑप्ट दिस थर्ड ऑप्शन। ओके, एंड इग्नोर एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेशन योर प्रिपरेशन। अब इतने हाई म्यूजिक में तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, है ना, ये तो नहीं होगी, ये तो नहीं होगी, फर्स्ट वाली भी नहीं होगी। अच्छा, एक और ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे जो हमारा लास्ट लेक्चर है ना, जहाँ पे मोटिवेशनल एंडिंग की है, वहां मैंने सारी बातें बताई हुई है, उसमें यही बताया है कि हाउ एक्चुअली उसमें बताया है कि एग्जाम हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज, है ना, ट्रिक्स हम क्या यूज करते हैं एग्जाम। तो पहले तो मैंने आपको अभी बताया कि सभी ऑप्शंस को पढ़ो, उसके बाद आंसर को लगाओ। सेकंड ऑप्शन, सेकंड रूल क्या है कि गाइस ट्राई टू एलिमिनेट, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, है ना, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4, ट्राई टू एलिमिनेट। एलिमिनेट मींस कि अब आपको यहाँ पता है कि फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होता, ये तो बहुत ही मतलब ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो इसको हम हटा देंगे, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा, है ना, तो दो ऑप्शन तो निकल गई, अब हमारे बचे सिर्फ दो ऑप्शन, अब आपको आंसर चूज करना है सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन से, तो आपके लिए इजी हो गया ना। ट्राई टू एलिमिनेट, ये थंब रूल है, ये रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंप्लीमेंट होता है। ओके, सो ट्राई टू एलिमिनेट, पहले ये कोशिश करो कि जो जो हो ही नहीं सकता है उसको हटा दो, अब हमारे सामने बचे हैं सिर्फ दो ऑप्शन। अब यहाँ पे जो सही ऑप्शन क्या है गाइज, वो है फर्स्ट, ये सेकंड वाली। क्यों सही ऑप्शन है, क्योंकि हम सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, हम पहले उसको इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वो है तो हमारा नेबर है ना, हमारा पड़ोसी है, इतने सालों से हमारे साथ रह रहा है, तो हम उससे इतनी बात तो कर ही सकते हैं कि प्लीज थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो, मेरा कल एग्जाम है। तो सबसे पहले हमें बात ही करनी चाहिए, क्योंकि बात करने से बातें बन जाती है। ऑलराइट, तो पहले बात करो, अगर वो नहीं मानता है आपसे, वो आपका उससे झगड़ा हो रखा है पहले से, और उसको पता था कि आपका एग्जाम है और उसने वॉल्यूम हाई कर दिया है, आपने रिक्वेस्ट भी कर ली है फिर भी उसने वॉल्यूम हाई कर दिया है, देन यू कैन गो फॉर थर्ड ऑप्शन। बट पहले हम कौन सी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो इस सिचुएशन में, इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन कौन सी हो जाएगी, सेकंड वन। ओके गाइस, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, अब एक ऑप्शन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन बोलता है दैट यू आर busy in a departmental store in the children's clothing section. Okay, मतलब आप किसी, आप एलांते मॉल में गए थे या डीएलएफ मॉल में गए थे और वहां पे आप जो बच्चों वाला सेक्शन है वहां पे आप शॉपिंग कर रहे थे, आप बिजी। यू फाइंड एन ओल्ड लेडी लुकिंग फॉर हेल्प इन द पैकेज फूड सेक्शन, यू विल, है ना, कहीं पे जो पैक्ड फूड था वहां पे कोई ओल्ड लेडी थी, है ना, बेचारी बहुत बूढ़ी थी और उसको उसके बहुत सामान था और वो यहाँ वहां हेल्प के लिए देख रही है ना। जब हेल्प के लिए कोई देखता है तो हमें, हम एक्चुअली हम बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो हम पढ़ लेते हैं कि वो हेल्प के लिए देख रहे हैं, तो आपने उसको देख लिया कि वो लेडी हेल्प के लिए देख रही है, अब क्या करो, है ना। पहला आ गया इग्नोर द सिचुएशन, है ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। ओके, तो हमने एलिमिनेट करना है तो हम इसको कर देते हैं एलिमिनेट। सेकेंड ऑप्शन है एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन कस्टमर्स, है ना, एंड क्विकली हेल्प द लेडी इन द अदर सेक्शन। ओके, एंड सेकेंड क्या है कि आपने एक्सक्यूज किया आपकी करंट सिचुएशन से। ओके, यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने आपको एम्प्लॉय कंसिडर किया है ना, क्लोथिंग सेक्शन में आपको एम्प्लॉय कंसिडर किया है, सो आपने, आप कस्टमर को डील कर रहे थे चिल्ड्रन क्लोथिंग में, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है दैट
excuse yourself from your own customers and quickly help the lady in the other section. Okay, ये लग रहा है लेकिन हम सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे. थर्ड ऑप्शन है दैट इन्फॉर्म द अप्रोप्रिएट सेल्स स्टाफ टू अटेंड टू हर. ओके, ये भी लग रहा है ना. एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रिटेंड टू बी बिजी एट योर ओन काउंटर. ये गलत है ना. हम प्रिटेंड में नाटक करना है ना, हम नाटक क्यों करेंगे जो कि गलत है. तो ये भी नहीं होगा. तो एलिमिनेट किया हमने फर्स्ट एंड फोर्थ तो नहीं होगा. ओके गाइस, फर्स्ट एंड फोर्थ तो नहीं होगा. गिव मी मिनट. ओके, फर्स्ट एंड फोर नहीं होगा. अब सेकंड और थर्ड देख लेते हैं. सेकंड बोला है एक्सक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम योर ओन कस्टमर्स एंड क्विकली हेल्प द लेडी इन द अदर सेक्शन. ये सुनने में तो ऑप्शन अच्छी लग रही है. ओके, लेकिन दिक्कत क्या है यहाँ पे, और ये बात हमें होटल में भी, जब मैं होटल में काम करता था, हमें वहां पे सिखाई जाती थी कि अगर आप अपने कस्टमर्स को छोड़ दोगे, ओके, तो आपके कस्टमर का ध्यान कौन रखेगा, है ना. आप एक एक यू नो हम्बल मैन है, आपने अच्छी, आपकी अच्छी सोच है कि आपने उस ओल्ड लेडी की हेल्प करने के लिए आपने अपने कस्टमर छोड़ दिए. दैट्स गुड. ओके, वो एक ह्यूमैनिटी के इसमें सही है. लेकिन अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस एथिक्स की बात करें, तो वहां पे गलत है, क्योंकि आपने अपने कस्टमर्स को छोड़ दिया तो आपकी सेल तो डाउन होगी ना, है ना. तो ये हम नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज थर्ड वन. दिस इज इन्फॉर्म द एप्रोप्रिएट सेल्स स्टाफ टू अटेंड टू हर. अब वहां पे उस सेक्शन में लेडी कहां पे थी, पैकेज फूड वाले सेक्शन में, वहां पे कोई ना कोई एम्प्लॉय तो होगा. ओके, हो सकता है वो कहीं बाहर गया हो या उसको नहीं दिख रहा हो कि उस लेडी को हेल्प चाहिए, तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे कि उस लेडी को अटेंड करो. ऐसा करने से क्या हुआ कि आपने उस लेडी की हेल्प भी कर दी और आपने अपने कस्टमर को भी नहीं छोड़ा. यहाँ पे राइट ऑप्शन की बन जाएगी थर्ड वन. ओके गाइस, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, है ना. बस आपने बेसिक ध्यान रखना है कि ट्राई टू एलिमिनेट जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, है ना. जैसे कि ये इग्नोर वाला था, ये तो नहीं हो सकता है. प्रिटेंड वाला भी नहीं हो सकता है. ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो बहुत गलत है. हम कैसे नेवर इग्नोर द कस्टमर, है ना. हम कभी, और हम प्रिटेंड भी नहीं करते हैं दैट लुकिंग बिजी एंड डूइंग नथिंग. हम ऐसा भी नहीं करते हैं, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री की बात हो रही है, चाहे वो होटल है, चाहे वो डिपार्टमेंटल स्टोर, जहां पे हम कस्टमर को, गेस्ट को सर्विस देते हैं, वहां पे गेस्ट इज गॉड. हमें गेस्ट को गॉड मानना होता है और हमें उसकी उसकी देखभाल करनी होती है, उसकी आपवक्त करनी होती है. ओके, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था. फोर्थ एक सिचुएशन, फोर्थ और दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे. ओके, अभी तक किसी को कोई क्वेरी है? गुड प्रियांशु, है ना, गुड. बहुत से बच्चे आंसर भी अटेम्प्ट कर रहे हैं ना. एज आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन आपके सामने खोलता हूं तो आप इसके आंसर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं. अभी मैंने आपके सामने क्वेश्चन खोला है, है ना. ये अपने आपको दिखा देता हूं, है ना. इसका आंसर जल्दी से अटेम्प्ट करना. आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूं. ओके, ये क्वेश्चन है गाइस, द एंट्रेंस पाथ, द एंट्रेंस पाथ ऑफ योर कॉलेज इज लिटर्ड विद पेपर एंड प्लास्टिक ऑन डेली बेसिस. यू विल, है ना. क्या बोला है कि जो आपका मेन एंट्रेंस है वहां पे बहुत सारी गंदगी पड़ी है, पेपर पड़े हैं, प्लास्टिक पड़ा है. ओके, तो आप क्या करोगे? आप फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि यू विल क्रिटिसाइज द स्वीपर ऑफ दैट एरिया. नंबर टू है लीव इट एज इट इज एंड डू नथिंग. ऐसे पड़े रहने दो, कुछ मत करो, है ना. थर्ड ऑप्शन है थिंक दैट दिस इज कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब आप सोचो कि कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी उस पर इनिशिएटिव लू. फोर्थ ऑप्शन है मेक अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स एंड क्रिएट अवेयरनेस इन द कॉलेज. ओके, या फिर आप एक ग्रुप बनाओ, है ना, और एक अवेयरनेस कैंपेन कॉलेज में करो, सबको बताओ, है ना. ये चार ऑप्शन आप सबने पढ़ ली, और जल्दी मुझे बताइए कि चारों का आंसर क्या हो सकता है, कौन सा इसका आंसर हो सकता है. कमऑन कमऑन. अनुराल का आंसर आ चुका है, प्रियांशु का भी आ चुका है, रंजीत का भी आ चुका है, सोमा का नहीं आया है, लेट मी, शायद वो दे रहे होंगे.
ओके, 100 मार्क का भी आ चुका है, वेरी गुड। बहुत से बच्चों ने रिप्लाई कर दिए है, दैट्स ग्रेट। ओके, इट मीन्स आपको समझ आ रहा है और आपकी लर्निंग भी हो रही है और आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। गाइस यही पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसी को बस प्रैक्टिस करते रहिए आप। अब आपको इसका मॉक टेस्ट दूंगा मैं इस क्लास के बाद, ओके, आप उसको अटेम्प्ट करेंगे, ऑलराइट, है ना। और इसके बाद आपको इसके मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे और परसों मैं आपको देने वाला हूँ 2015 का कंप्लीट पेपर, है ना। अब गाइस अभी जो अभी तक जो आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं वहां पे आप देख रहे होंगे कि जो राइट क्वेश्चंस है उसका आपको एक नंबर मिलता है, ओके, और अगर कुछ गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स कटते हैं, है ना। लेकिन जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा गाइस, वहां पे राइट क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ओके, और कोई क्वेश्चन गलत होता है तो आपका एक नंबर कट जाएगा, है ना। तो परसों जो आपको 2015 का पेपर मिलने वाला है कंप्लीट, है ना, वो बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किया है मैंने जैसे कि एनटीए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, आपका एग्जाम अप्रैल या मई में लेगी। तो आपको बिल्कुल वैसा ही फील आने वाला है कि जैसा आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, ओके, और आप इस 2021 के पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो, बशर्ते कंडीशंस अप्लाई कि आप चीटिंग ना करो। एंड आई होप कि मेरे बच्चे चीटिंग नहीं करेंगे, है ना। मुझे पता है क्योंकि वो पूरा पेपर होगा, उसमें मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, नहीं उसमें पूरा होगा, उसमें पूरा होगा, डोंट वरी, ओके। अभी उसमें क्या होगा कि सर्विस 50 क्वेश्चन तो आप उसमें बहुत इजीली कर पाओगे क्योंकि सर्विस हम तब तक हम सर्विस खत्म कर चुके होंगे, है ना। बाकी सर्विस हम खत्म कर चुके होंगे, बाकी इंग्लिश में आप कुछ तो अटेम्प्ट करोगे, है ना, प्लस मैथ में आप कुछ तो अटेम्प्ट करोगे, रीजनिंग में आप कुछ तो अटेम्प्ट करोगे, जीके में आप कुछ तो अटेम्प्ट करोगे, तो आपके उसमें मार्क्स थोड़े कम आ सकते हैं। पर उसमें मैंने फिर से बोला है कि मिस्टेक्स मेक्स यू वाइजर, क्योंकि हमने सिर्फ सर्विस पढ़ा है तो आपका फोकस उसमें किसमें होना चाहिए, सर्विस में, सर्विस में कितने मार्क्स आए। फिर हम उसके बाद नेक्स्ट वीक शुरू कर रहे हैं रीजनिंग, है ना, और 19 जनवरी को आपको 2016 का पेपर मिलने वाला है, वहां पे सर्विस प्लस रीजनिंग, आप दो में अच्छा स्कोर करोगे, बाकी में आपके थोड़े से मार्क्स कम आ सकते हैं। वैसे ही आपको फिर 2017 का मिलेगा, 18 का मिलेगा, तब तक हम सारे सेक्शंस को खत्म कर चुके होंगे, तो आप धीरे धीरे इसमें डेवलप होते जाओगे, आपके स्किल्स बढ़ते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और सभी सेक्शंस में आप अच्छा कर सकते। दैट इज जो इसके पीछे प्लानिंग है वो ये है जो मैंने आपके लिए बनाई है, ना। तो परसों आपको मिलने वाला है 2015 का पूरा पेपर और उसमें वो आपके 800 मार्क्स का होगा, क्योंकि उसमें 200 क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, तो वो आपका टोटल हो गया 800 मार्क्स का। अनुला जी बोल रहे हैं, सर आपने वीडियोज भी दिए हैं ना और सब्जेक्ट्स के टॉपिक के, तो वो भी देख के क्लियर कर सकते हैं। हाँ आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मिक्सअप मत करना, है ना। अब आप ऐसा मत करना कि परसों आपका एग्जाम होने वाला है तो आप मैथ की वीडियो देखना शुरू कर दो और इंग्लिश के देखना शुरू कर दो, क्योंकि तो बहुत बड़े बड़े वीडियोज हैं, 17-18 वीडियोज हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओ, है ना। कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ सर्विस वाले इसमें फोकस करना, क्योंकि वो हमने बहुत ढंग से पढ़ लिया है, ओके। बाकी जो इंग्लिश है, मैथ है, उसमें जितना आपको आता होगा ऑनेस्टली उसको अटेम्प्ट करना, कोई बात नहीं। हम उसको जब हम रीजनिंग पढ़ लेंगे तो आप दो में अच्छा करोगे, हम जब इंग्लिश भी पढ़ लेंगे तो आप 3 में अच्छा करोगे, ओके। तो वो धीरे धीरे होता है गाइस, मैंने पहले कहा था कि स्लो एंड स्टडी मींस द रेस। जो टॉपर्स होते हैं वो डेली पढ़ते हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, वो डेली पढ़ते हैं। तो आपको डेली करना है, बस रोज करना है, एग्जाम तक आते आते आप बहुत अच्छा करना शुरू करो। ऑलराइट, तो अब हम देख लेते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर भी दे दिया है, हम आंसर की बात कर रहे थे, हाँ? अब हम देख लेते हैं कि इसका दो मिनट आगे वो उसका आंसर क्या है। Just give me a minute. Okay, तो बिल्कुल सही है ना, आपने जो आंसर दिया है बिल्कुल यही इसका आंसर है, 4th is the right answer, है ना। अब एलिमिनेट, हम तो अपनी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, एलिमिनेट कैसे करेंगे, क्रिटिसाइज द स्वीपर, है ना। ये तो सबसे गलत है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, until unless बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, तो इसको तो हटा देंगे। लीव इट एज इट इज
इट इज एंड डू नथिंग, कुछ 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 भी नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ये भी गलत है, एलिमिनेट है ना. थिंक दैट दिस इज कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो ये भी गलत है. अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कॉलेज आपका है ना. बोलते हैं ना हम जब कहीं जाते हैं, आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाओ तो वहां लिखा होता है दिस मॉल इज योर्स, ट्राई टू यू नो कीप इट क्लीन, है ना. आप रेलवे में जाओ तो वहां लिखा होता है दिस रेलवे आपकी सुरक्षा में है ना, तो इसको साफ रखें. अगर आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, देन दैट कॉलेज इज योर्स, तो कॉलेज आपका है एंड यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दैट कॉलेज. तो ये थर्ड वाला भी हम कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी एलिमिनेट हो गया. उसमें एक ऑप्शन बचती है दैट मेक अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड फ्रेंड्स, है ना, एंड क्रिएट अवेयरनेस इन द कॉलेज. अब वहां पे अगर गंदगी पड़ी है तो इसका मतलब जो कुछ शरारती तत्व है ना, वो वहां पे गंदगी फैला रही है ना. तो क्यों ना एक अवेयरनेस की जाए, सबको बताया जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंगनेस. ओके, तो जो फोर्थ है गाइस वो इसमें सही आंसर हो जाएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज का. क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए ओके, और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए. यू आर ऑन योर वे टू अपीयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, एंड व्हाइल वॉकिंग डाउन द रोड योर ड्रेस इज स्पॉइल्ड बाय अ व्हीकल पासिंग बाय ऑन द रोड यू विल. क्या हुआ, हुआ ये कि आप इंटरव्यू देने जा रहे थे एंड सडनली अ कार पासिस, अभी वहां पे एक कार जाती है बहुत स्पीड से, और वो यू नो कीचड़ पे जो वहां पर खड्डे में पानी था उस पे उसका टायर जाता है और पानी उछलता है गंदा और आपकी शर्ट पे गिर जाता है. अब आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, है ना, और वहां पे आपकी शर्ट पे गिर गया है पानी. अब आप क्या करो, फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, दिस इज फोर्थ. फर्स्ट ऑप्शन बोलती है पिक अप अ स्टोन एंड थ्रो एट द व्हीकल. पहले देख लेते हैं आपने कैंसिल किया. गुड, कीप योर माइंड, वेरी गुड, इट मीन्स आपको ये बहुत ही सही है. मैं होप करता हूं कि जब रीजनिंग पढ़ेंगे वो भी आपको मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, तो आपको वो भी इतना ही इजी लगेगा. मैथ भी हमारे जो प्रदीप सर हैं वो आपको मैथ पढ़ाएंगे, जो मैथ के टीचर हैं, है ना. देन उसके बाद जीके वाला भी हम ऐसे ही पढ़ते रहेंगे. ऑलराइट, बस प्रैक्टिस नहीं छोड़नी आपने, मॉक टेस्ट आप लगाते रहेंगे, है ना. वेरी गुड, आपने आंसर ऑलरेडी दे दिया है. एक बार हम इसको एलिमिनेट कर लेते हैं. आप जब गाइस एग्जाम में जाओगे तो ये स्ट्रेटेजी आपने सबने यूज करनी है, ट्राई टू एलिमिनेट, ना चार ऑप्शन को पढ़ना है, ट्राई टू एलिमिनेट. पहला बोला है पिक अप स्टोन, पत्थर उठाओ गाड़ी को मार दो, सबसे गलत नहीं कर सकते, गलत है. यू डिसाइड टू ड्रॉप द इंटरव्यू एंड गो बैक होम, है ना. आपने इंटरव्यू आपने छोड़ा कि अब आपने कहा कि अब जाने दो, शर्ट गंदी हो चुकी है, अब कौन जाएगा, है ना, और आप घर चले गए, ये भी गलत है ना. इसका मतलब यू गिव अप, आपने आपने हिम्मत हार दी, ऐसा नहीं करना है लाइफ में, नेवर गिव अप, है ना. थर्ड बोला है यू क्लीन योर क्लीन अप योर क्लॉथ एज मच एज यू कैन एंड कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन द इंटरव्यू. सही लग रहा है, बट हमारी पॉलिसी क्या है कि हम सभी ऑप्शन को पढ़ते हैं. फोर्थ इज यू विल क्लिक अ फोटोग्राफ ऑफ द कार नंबर एंड इन्फॉर्म द ट्रैफिक पुलिस अबाउट द इंसिडेंट. ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, है ना. ये सही हो सकता है लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे. तो एक ही ऑप्शन बचती है, वो है हमारी राइट ऑप्शन, है ना. देखो ट्राई टू बी फोकस्ड, यहाँ पे आपका मेन फोकस क्या था कि आपको जाना है, आपको इंटरव्यू देना है, आपको उस जॉब की जरूरत है ना. तो आप अपनी शर्ट को साफ करने की कोशिश करेंगे ओके, और जितना हो सके उसको साफ करेंगे और अपने माइंड को फोकस रखेंगे कहां पे, इंटरव्यू के. दिस विल बी द राइट ऑप्शन. ऑलराइट गाइस, ये हमारे आज हमने पांच क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं ओके, एंड होपफुली आपको ये आंसू बोल रहा है कि सर इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए, बेटा हो जाएगा, डोंट वरी, है ना. ड्रीम ड्रीम बिग एंड ट्राई डू प्रॉपर प्लानिंग, प्लानिंग करो, हो जाएगा. इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, जो जो काम लोगों ने आज तक किए हैं वो आप ही करेंगे. इंग्लिश तो बहुत छोटी सी बात है ना, इंग्लिश तो बहुत छोटी सी बात है बेटा. इंग्लिश तो एक सब्जेक्ट है, एक लैंग्वेज है ओनली, है ना. इसको बिल्कुल बिल्कुल आई चम पूसा कन्फर्म है आपका.
डॉट वरी, बस ये बिल्कुल 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 रियली है ना, इफ यू थिंक यू कैन यू कैन, यू थिंक यू कैन है ना। जो आई चे गुस्सा में बच्चे जाते हैं, वो तो बेटा बच्चे ही होते हैं, वो थोड़ा ना मंगल ग्रह से आए हैं, वो भी तो हमारे आपकी तरह ही बच्चे हैं वो भी। ओके, बस उनके क्यों जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे हार्ड वर्क है, उन्होंने 2-3 महीने मेहनत की होती है, इसलिए जा पाते हैं वो। ऑलराइट, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो भी आपको आईचीएम चाहिए वो मिलेगा डेफिनेटली। ओके, आप चिंता ना करें। ओके, तो गाइस ये हमारी आज की क्लास थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ओके, जल्दी से फीडबैक दे दीजिए क्लास का, जल्दी से फीडबैक दे दीजिए क्लास का, एंड उसके बाद हम, अगर किसी का कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। ओके, कोई डाउट है देन आस्क। रंजीत, सेम टू यू, रिगार्डिंग व्हाट, मुझे नहीं चाहिए आईचीएम पूसा। थैंक यू अनुलाल, आई एम हैप्पी इन आईचीएम शिमला। थैंक यू प्रियांशु, रंजीत आई एम हैप्पी इन आईचीएम शिमला, मुझे मुझे आईचीएम पूसा नहीं चाहिए। Both are centralized, है ना? So I am more than happy. Okay then. Thank you, Priyanshu. Thank you, all students. Okay. Okay, guys. एक छोटी सी information आपको देनी थी। अगर आपको ये class अच्छी लगी है, आपको ये platform अच्छा लगा है, then please do share it with your friends, okay? आपके जो friends हैं, आपके जो classmates हैं, या जिनको भी आप जानते हैं, है ना, जो इस exam की preparation कर रहे हैं, उनको please इसके बारे में बताएं, okay? मेरी app के बारे में बताएं, how to join it, okay? एंड उनको feedback दें, अगर आपको लगा है कि ये fantastic है, आपको समझ आ रहा है, mock test अच्छे हैं, है ना, और आपको लग रहा है कि this is good platform, then please inform योर फ्रेंड्स, योर नियर एंड डियर वंस, जो इसको इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, है ना, इसी तरह पढ़ते रहिए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रैंक आने वाला है और टॉप आईएचएम में आपकी एडमिशन होने वाली है। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।